हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर आपका 8.2 का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या गिवन है? इफ कॉस ए इक्वल्स टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 टैन ए, आपको फाइंड करनी है। ओके, बट आपको इसका रेशियो पूरा कंफर्म होना चाहिए, है ना? क्या होता है cot a is equals to base upon perpendicular, sin a is equals to perpendicular upon hypotenuse and tan a is equals to perpendicular upon base होता है। तो ये जितना यहाँ पर जिसको find करने के लिए मतलब उसी का ratio हम find करेंगे, बाकी का हम नहीं निकालेंगे। So हमारे पास given है ratio क्या? Given cos a is equals to 4/5, ये given है। So, cos a 4/5 is क्या रेशियो है इसका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो 4 इज द बेस एंड 5 इज द हाइपोटेनस। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू 4 एंड h इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर देखिए, हमको cot a sin a tan a निकालना है। उसके पहले हमको b बेस तो हमको हाइपोटेनस क्लियर है, बट हमको परपेंडिकुलर क्लियर नहीं है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हो जाएगा यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। ओके, सो h इज इक्वल्स टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमको फाइंड करनी है p स्क्वायर प्लस b मींस हो गया आपका 4 स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस 5 5 25 है ना, एंड 4 4 इज 16 है ना, 4 4 इज 16। So transfer into minus 16 is equals to zero p power 2. Okay. So next process 25 में 60 minus करेंगे, so 9 मिल जाएगा is equals to p square. Okay. So p is equals to under root of 9 square पे transfer किसमें चेंज होता है? Root में transfer होता है. Okay. So next process p is equals to under root of 9 means only 3. Okay, ये हमारे क्या 3 परपेंडिकुलर। सो हमको जो चीज फाइंड करना है cot का sin का tan का बस फाइंड करेंगे। ओके, अगर इस और नहीं निकालेंगे। सो यहां पर हो जाएगा देयरफॉर cot a। ओके, cot a इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां बेस अपॉन परपेंडिकुलर b अपॉन p। ओके, सो वैल्यू ऑफ p हमारे पास है 4 एंड वैल्यू ऑफ p 3। ओके, cot a = 4/3 एंड tan a = रेसिप्रोकल ऑफ cot a। सो रेसिप्रोकल ऑफ cot a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ओके, सो परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपका? 3, हमने अभी सॉल्व किए, 3 अपॉन बेस 4 बाय 4। ओके, लास्ट साइन ए, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर गिवन है आपका 3 एंड हाइपोटेनस 5। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको इसमें इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा? देयरफॉर cot a माइनस साइन ए अपॉन 2 tan a। ओके, सो वैल्यू ऑफ cot a 4/3 माइनस वैल्यू ऑफ sin a 3/5 अपॉन 2 इनटू वैल्यू ऑफ tan a 3/4। ओके, इतना हो गया आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहां पर 5 4 हो गया 20 एंड 3 3 इज 9 एंड 3 5 से कितना हो गया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 इज 20 एंड 3 3 इज 9 एंड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर 3 इनटू 5 3 5 इज 15 डिवाइडेड बाय 2 एंड जे 2
एंड टू टू जा फोर, ओके सो हमारे पास यहाँ मिलेगा थ्री बाय टू, ओके सो डबल डिवाइडेशन है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करना होगा, सो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 में 9 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका 11, सो 11 बाय 15 इनटू इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, सो 2 बाय 3 सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोई भी कैंसिल नहीं होगा है ना, 11 टू जा हो जाएगा आपका 22 एंड 15 थ्री जा हो जाएगा आपका 45, ओके तो 22 अपॉन 45 इसका आपको आंसर मिलेगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व किए थे, ओके इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा माइनस sin tan थीटा इनटू sin थीटा, ओके सो ये रेशियो गिवन है आपके पास गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 3, ओके इट मींस आपका sec थीटा इज रेशियो किसका होता है आपका बेस हाइट हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सो h अपॉन b है ना, है 5 इज हाइपोटेन्यूस एंड 3 इज बेस, शायद हम ऐसा लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 3, ठीक अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके सो क्या हो जाएगा आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके पाइथागोरस ओके सो क्या होता है आपका h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर bs स्क्वायर, ओके सो जो जो गिवन है उसको कर देंगे 5 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भी हमको फाइंड करनी है प्लस b मींस 3 स्क्वायर, ओके सो नेक्स्ट प्रोसेस 5 5 = 25 3 3 = 9 उसको ट्रांसफर कर देंगे सो क्या होगा प्लस का माइनस हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 25 में 9 माइनस करेंगे 16 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ 16, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी आपका 4, रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, ठीक अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, सो यहां से कंटिन्यू देखो यहां पर P निकल गया, अब इसमें जो भी रेशियो की मान tan है और sin है, ओके यहां पर हो जाएगा tan थीटा, हमको ये इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके सो tan थीटा इज इक्वल्स टू इसका रेशियो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो P अपॉन B, P मींस 4 हम अभी फाइंड किए 4 एंड बेस हो गया आपका 3 4 बाय 3 एंड sin थीटा sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular में कितना दिया है आपका 5, sorry 4 and hypotenuse दिया आपका 5, clear? तो इस तरह से हम solve करेंगे, so यहाँ पर दिया है tan theta minus sin theta upon 1 plus tan theta into sin theta. ये वैल्यू बनाना है और इस क्वेश्चन यहां पर हम पुट कर देंगे tan और sin की वैल्यू, निकालिए tan थीटा मींस हो गया 4 बाय 3 माइनस sin थीटा मींस हो गया 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा मींस 4 बाय 3 इनटू यहां पर इनटू है एंड sin थीटा मींस 4 बाय 5, आप ही सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके सो 5 4 20 and 3 4 जा हो जाएगा 12 divided by 5 3 is 15, okay next यहाँ पर divided by यहाँ से देखिएगा 1 plus हो जाएगा यहाँ solve करेंगे so 4 4 जा 16 and 3 5 जा 15, okay next process होगा इसको 20 में 12 minus कर देंगे कितना बच जाएगा आपका 8 by 15, okay divided by यहां पर हो जाएगा अगेन यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 51 जा 15, ओके 51 जा 15 एंड 1 16 जा 16 सो जाएगा
15 + 16 / 15 ऐसा करेंगे। ओके, चाहे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ये होगा आपका, इसको सॉल्व कर सकते हैं 8/15 इनटू वही, इसको चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, मल्टीप्लाई फॉर्म में डिवाइड फॉर्म में, सो ये हो जाएगा 15/, ये इंटरचेंज हो जाता है आपका, है ना। सो 15 + 16 कितना हो जाएगा आपका 31। ओके, ये हो गया 15 to 15 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया आपका 8/31। ओके, ये ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो ये निकल गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, है ना, यहाँ सभी वैसे रेशियो की वाले, जैसे नेक्स्ट नंबर साइन इज इक्वल टू 1/3, उसका जो भी वैल्यू यहाँ पर जो इस स्टेप वहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।